Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you go to class. As you know that, okay, we will today we will discuss art integrated project. How you will make art integrated project. Class, today's art topic is the polynomials. First of all, I want to explain ki what is the art integrated project. Art integrated project kya hota hai? Class, it's a project that is the add the connection between your study and real life. ये एक तरह से आपके real life को और आपके study को add करता है art integrated project. कि whatever you have studied chapter है ना, they having use in रियल लाइफ और नॉट. ये जो होता है आपके रियल लाइफ में यूज है भी या नहीं है, या फिर आप ऐसे ही जो होता है पढ़कर. तो चलो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अलॉट्स ऑफ अबाउट द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है. लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, सबके ग्राफ है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, और इन सब का यूज कैसे होता है. ये तीन, ये जो थ्री है वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है क्लास. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हाउ दे आर यूजफुल, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है. तो देखो, वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्राफ. हम लोगों ने ग्राफ बनाया है ना, ग्राफ पर होता है. तो इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है ना. जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन में है ना, जिधर भी जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है ना. ऐसे भी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल. बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस वन है ना, दिस वन ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है, ऐसे करके हम लोग जो होता है यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का. अब इसका, इसी का यूज देखो, whatever you are graph using, that will be used in our daily life. Graph हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि ये हमारे daily life में यूज आए, कुछ ना कुछ काम आए, ठीक है ना. तो graph से भी हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज कैसे. अब जैसे कि देखो, पहले लीनियर का तो solutions आप इजिली पा लेते हैं. मैं quadratic equations की बात करता हूँ, quadratic equations में, क्योंकि लीनियर का कोई खास स्ट्रेट लाइन बनता है तो स्ट्रेट लाइन, आपकी सड़कें भी स्ट्रेट होती है ना, देखो कहीं पर भी है. तो ये तो सिंपल सी बात है. पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूंगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, कि इन सबको जो होता है कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज में कर सकते हैं. और आपको बनाना है कोई भी एक ट्रैफिक रूल है ना. ट्रैफिक रूल ट्रैफिक में यूज होता है, या फिर जो होता है कहीं आप जब ब्रिज, पुल वगैरह सब बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, उन सब में जो भी पॉलिनोमियल्स का यूज होता है. अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसे होता है, तो चलो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक्सप्लेन करते हैं. एक कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास. ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया. अब इसको आप रियली फैक्टराइज करते हो, रूट्स निकालते हो है ना. तो हाउ यू कैन फाइंड द रूट्स, इसका रूट्स कैसे निकालते हो. आपने पेन पेपर टेस्ट पे तो बहुत सारा किया होगा. आज जो हम लोग जो है क्लास जो करेंगे वो करेंगे पेपर पे है ना, आपके बोर्ड पे मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं है ना, फैक्टराइजेशन. तो ये हमारे पास है, ये कुछ स्ट्रिप्स है हमारे पास. देखो ये कोई भी एक एक्ससीएम का, हमने एक्ससीएम का एक
स्क्वायर ले रखा है एक्सीएम का, ठीक है ना, एक्सीएम का। और ये तीन छोटे छोटे पत्तियां हैं, है ना, ये पेपर कटिंग कर करके, और ये कुछ जो होता है हमारे पास है, इन सब के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक कर करके। चलो हम लोग करते हैं कि पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं पेपर से, है ना, पेपर पे। क्लास नाउ यू लुक हियर, यहाँ पे जो होता है हमने तीन स्टेप, ये क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स इंटू एक्स का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी स्क्वायर का एरिया, है ना, ये एक्स हो और एक्स हो, यानी ये साइड भी क्या हो एक्स हो, है ना, और ये साइड भी एक्स हो, देन एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है एरिया। अब ये जो होता है एक्स, है ना, अब ये एक्स सी एम, है ना, देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, ऐसे होता है ना, यानी हमें तीन स्ट्रीम, और यहाँ पे इसके मल्टीपल्स क्या है वन इंटू एक्स, यानी ये हमारा वन है और ये हमारा एक्स है, प्लस ये हमारा वन है, ठीक है ना, ये हमारा वन है और ये हमारा एक्स है, ये हमारा वन है और ये हमारा एक्स है प्लस, ठीक है ना, ये बात। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज द टू, तो टू क्या है वन प्लस वन टू, यानी ये क्लास ये हमारा वन है वन सीयर और ये भी वन सीयर, है ना, वन वन दोनों साइड, तो ये कितना हो गया वन इंटू वन वन, है ना, और ये वन इंटू वन दैट इज द वन, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर जब इसे हम लोग अब एक साथ एक जगह पे करते हैं, कि सपोज देखो ये उठाया हमने यहां से और यहां मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज का एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसका हो गया, है ना, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब वन स्ट्रिक को मैं यहां पे उठाता हूं और यहां पे मैं बिल्कुल लगा करके चिपका देता हूं ऐसे, ठीक है, ये दूसरे को उठाता हूं मैं यहां पे लगा देता हूं चिपका देता हूं। ये जब आप पेन पेपर पे करोगे ना तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। एक यहां से मैं उठाता हूं, है ना, और ये देखो ये ऐसे ऐसे में लगा दिया, ठीक है, रुक गया, इसको रोकने के लिए थोड़ा सा हमें ग्लू का यूज करना होगा, जैसे देखो ये ऐसा तो चिपकेगा नहीं, हाथ पे लेना पड़ेगा प्लस तब जाके ये चिपकेगा, फिर मुझे बोर्ड को भी क्लीन करना पड़ेगा मेहनत लगा करके, तो पता नहीं फिर भी आपको समझ में आएगा या नहीं, है ना, उस ये हो गया ऐसा तो चिपक गया, ये भी हो गया ऐसा भी चिपक गया, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और ये फिर हो गया थोड़ा, ये क्या बन गया एक तरह का रेक्टेंगल, इधर भी लगा देता हूँ और इधर भी ताकि चिपक जाए, देख थोड़ा सा ऐसे चिपका रहे अच्छा लगे। ये वन को हम लोग उठाएंगे थोड़ा, ये तो बिल्कुल चिपक ही गया, मैं इसीलिए हमका यूज कर रहा था वन का, ताकि आप इसको कलर पेपर भी कलर पेपर पे यूज कर सकते हो, यू कैन डू इट कलर पेपर, देखो ये इसको उठाता हूँ और इसमें भी हमका घूम लगाऊंगा, है ना, मैंने सोचा ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा लेकिन करना ही पड़ा, देखो ये चिपक गए बस, है ना। तो पहले फैक्टराइज देखो हम लोग, ये क्या हो गया, ये पूरा एक्स हो गया और ये एक्स प्लस एक्स, यानी कि ये टू, यानी एक्स
प्लस वन प्लस वन यानी x प्लस टू हो गया ये प्लस जिसमें x प्लस टू और यहाँ पे क्या हो गया ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया ना। देखो ये पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया, ये पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल ये ठीक है, इसको आप किसी भी कलर से कर सकते हो। अब ये यहाँ पे x हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया x प्लस वन, एक स्ट्रिप ऐड करा था है ना, तो ये पूरा जो एक कंप्लीट जो बना इसका एरिया क्या होगा x प्लस टू और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हम लोग आइदर और करके निकाल लेते थे, आइदर x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस टू और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन, ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब सोचो ऐसा भी कभी फैक्टराइजेशन हैव यू एवर सीन, आपने देखा होगा है ना कि ऐसे कोई फैक्टराइज करता है, बट होता है प्लस, ये डेली लाइफ का है, रियल है। ये यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल का यूज करते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स वी विल पुट हेयर दैट विल बी द मैच है ना, वो मैच करेगा। अब मैं बताता हूँ आपको डेली लाइफ, जो आपने देखा नहीं होगा इस तरह से आपको सोच करके खुद बनाना है ना। एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कर देना, फैक्टराइज जो भी आप लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसको फैक्टराइज कर करके आपको ये लिखना है, और उसके बाद में फिर जो होता है जो आपके डेली लाइफ यूजेस है ना, डेली लाइफ जैसे कोई भी आप फैक्टराइजेशंस लेकर के इस तरह से कर सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेकर के एंड उसका यूज बता सकते हैं ठीक है ना, या उस क्वाड्रेटिक इस अगर आपने ये लिया तो इसका यूज, जैसे कि देखो इसका क्या है यहाँ पे प्लस साइड है तो हमेशा प्लस वाले का किधर बनता है ना, ग्राफ बनता है ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ ऐसे। अब आपको कोई एक ऐसा यूजेस इसका बताना है ना, और बना करके दिखाना है आर्ट में है ना, आर्ट के थ्रू कि इस पैराबोला का यूज इस आर्ट में किया गया है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, या तो आप ऐसा वाला ले लें है ना, इसका यूज कर लें, या फिर आप इस पैराबोला का भी यूज कर सकते हैं। और ये पैराबोला कब यूज होगा क्लास, तो देखो जब आपके पुल बनते हैं ओवरब्रिज है ना, या फिर कैनल बनते हैं है ना, सुरंग है ना जिसको कहते हो ना सुरंग, अभी अभी टनल बना हुआ है ना, कहाँ पे ये कश्मीर में जो होता है बना है नया है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, आप सर्च करो, उसमें जो होता है इस तरह का यूज हुआ है और इस तरह दोनों का यूज हुआ है टनल। जब किसी भी रोड को कवर करना होता है ना, तो हमें ऐसे यूज करते हैं, तो ये जो पैराबोला का यूज हुआ है इसी को हम लोग जो होता है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करते हैं, और इन्हीं सब के कारण जो होता है यही इसी के कारण जो इंजीनियर्स वगैरह हैं कितने सीएम का डायमेंशन लेना है, कितना करना है ना, ये सब इसमें होता है। तो इसका यूज तो बहुत जगह, अब आप सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ यूज है, देखो रोड पे सड़क पे चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हो तो इसका यूज मोड़ पे है ना, एक सड़क से दूसरे सड़क में जाने के लिए ऐसा बना रहता है ना, सड़कों पे यूज है, तो सड़कों पे किस तरह से है ना, कितना है वो आपको बताना है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में कि हमने इस इक्वेशंस का यूज करा है इतने और इतने का है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने करके बताया है, ठीक उसी तरह से आपको पेपर को चिपका कर करके करना है ना, बहुत सारे जगह यूज है ना, ट्रैफिक रूल भी बनते हैं ना, तो लगभग ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मोड़ बनाने के लिए जो होता है हम लोग कहीं से यू टर्न लेते हैं, यू टर्न तो यू टर्न पे भी आपको ऐसा मिलता होगा है ना, जब आप मूव करते हो तो वहां पे भी। अच्छा कभी कभी ये भी आप सुने होंगे क्लास की, ये पुल बहुत खतरनाक है, क्यों, क्योंकि जब जो होता है ये कर्व है ना, ये कर्व छोटा हो जाता है ऐसे, ये टनल ऐसे छोटा हो जाता है तो मूव करना मुश्किल हो जाता है, और जब ये कर्व बड़ा होता है तो मूव करना इजी होता है, यानी पैराबोला जब बड़ा हो
तो गाड़ी आराम से मूव कर जाती, टर्न कर जाते। अब इंजीनियर यही गलती कर देता, अगर जो इस टाइप का पैराबोला यूज कर दिया ना यहाँ पे, तो एक्सीडेंट खतरनाक रोक खतर खतरनाक मोड़ है, तो इस तरह का मोड़ खतरनाक, और इसको थोड़ा सा अगर जो लंबा कर दिया दूर से ले गया तब। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कौन से पार्ट को हम लोग जो होता है किसको इफेक्ट करते हैं, तो ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है ना, ये आप लोग को मैंने ग्राफ पे बता रखा है ना, ग्राफ में यूज, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो ग्राफ में यूज करके मैंने बताया था कि ये जो होता है कैसे बड़ा होता है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जब ये उल्टा पैराबोला बनना होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दो ना, तो पैराबोला ही उल्टा हो जाता है ना। तो जहां उल्टा पैराबोला का यूज होगा वहां पे ये इक्वेशन से यूज होगा, और जहां सीधा पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे इस तरह के पैराबोला का यूज होगा। तो क्लास कोई भी एक आर्ट आप लेकर करके, कोई भी आपको अच्छा सा लगे ट्रैफिक रूल आपके लाइफ में, जो मतलब जहां आपको लगे कि ये हम बना सकते हैं, है ना, इस यहाँ पे इस तरह के इक्वेशंस यूज किया जा सकता है, सो यू कैन डू। और हम लोग क्यूबिक का भी करते हैं, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से बनता है ना, थोड़ा सा जो होता है ऐसे ऊपर जाकर के ऊपर इस तरह से। तो आप जो होता है देखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ही यूज करके बना सकते हो, कोई एक ऐसा आर्ट क्रिएट करो जिसमें सारे पॉलिनोमियल्स का यूज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्यूबिक इक्वेशंस का, है ना, मतलब ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ अ थिंग्स यू विल मेक, कि यू कैन यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, और कोई भी एक ऐसा आर्ट बना के दे दो, है ना, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज हो, क्यूबिक इक्वेशंस का यूज हो, या फिर जो भी किसी भी तरह का जो होता है ना, आर्ट बनाओ, है ना, प्रोजेक्ट में, या फिर जो होता है, लेकिन वहां पे लिखना पड़ेगा आपको क्लास, बट यू विल राइट हियर कि आई हैव यूज दिस इक्वेशंस, आई हैव यूज दिस इक्वेशन, है ना, क्योंकि मुझे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा इक्वेशंस का यूज हुआ है ना, और किसको इफेक्ट कर करके हुआ है। सो क्लास प्लीज डू इट, अदर आप फैक्टराइजेशन पहला उसको फैक्टराइज करके पेपर चिपकाना है, दूसरा यूज पे आधारित एक कोई आर्ट बनाना है ना, उसके यूज पे आधारित, जिसमें पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन हो क्लास, है ना। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।